Uy, boy. ये खुर बने हुए हैं भाई, भागते भागते वहां तो पूरा हाँप गया। उस वाली एरिया में भाई कोई भी गाय जाए वो मुश्किल ही बचती है। और भाई सबसे ज्यादा खतरनाक भी ये एरिया है, कसाई घर है भाई, कट्टू खाना है भाई। और उन लोगों के हाथ लग गई भाई तो हमें नहीं पता चलेगा भाई कि बछिया गई कहाँ। आज दोस्तों काफी ज्यादा टाइम हो गया है, धूप नहीं निकली है और मुझे ये भी नहीं पता कि इन्हें पापा ने खोला था मॉर्निंग में या नहीं, क्योंकि भाई मैं उठ तो जल्दी गया था, फिर मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था, उसके बाद मैं फिर से सो गया था। और अभी मैं इन्हें देख रहा हूँ, मेरे ख्याल से आज इन्हें नहीं खोला गया है। सबसे पहले मैं इनके लिए दाने लेके आता हूँ और इन सभी को खोलता हूँ और इन्हें दाने डालता हूँ। चलो भाई आ जाओ आ जाओ, आ जाओ, कम ऑन, जल्दी जल्दी ले ले। सही है, आराम से बैठो खुली जगह में, ठीक है ना भाई। ये अभी भाग गई थी, पकड़ ली, थोड़ी दूरी भाग पाई थी। चलो अब सही है ना, बैठने देते हैं भाई। ये देखो भाई पूरी सरसों खोद डाली है। और भाई ये पता है ये जंगली सुअर के काम है, और इससे अंदाजा लगा सकते हैं आप कितने ज्यादा जंगली सुअर हैं यहाँ पे। पूरी सरसों ऐसे करती है जैसे भाई ट्रैक्टर से किसी ने गुड़ाई की हो। और भी होगा भाई आगे, भाई पूरा ही खेत ऐसा ही है भाई। ये देखो यहाँ पे आगे देखो, वहाँ मतलब पूरे खेत में भाई, पूरे खेत में गुड़ाई की है इसमें, सुअर वगैरह कुछ है। अभी थोड़ी देर पहले जो भी इसके अंदर घुसा था, ऐसा लगा किसी ने उसके ऊपर हमला किया हो। अभी उसका साउंड आया था जस्ट, जंगली सुअर होगा ये, उसके पास गया होगा, उसने अटैक किया होगा इसके ऊपर। ओह वो आ रहा, बोरा जरा का दो देखें कहीं कोई चोट लगी है क्या। ना ना डराओ मत, डराओ मत, बड़ा भाई कुछ तो था इसके अंदर। मैं भाई काफी आगे निकल गया था, मैं सोच ही रहा था जोगी अभी तक नहीं आया, तब तक भाई जोगी का साउंड आया बड़ी तेज, इसी सरसों में से आया था। और देखो जोगी भी उसी साइड देख रहा है। आ जाओ जोगी, आओ आओ जोगी, चलो आ जाओ। जोगी अभी क्या है भाई, बिल्कुल बच्चे की तरह है, इसकी इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं खुली हुई है। बाकी इसके साथ अगर कली हो तब इसकी हिम्मत खुल जाती है। बाकी जैसे मेरा सुल्तान है, अगर मैं उससे ऐसे में खोल दूं ना, और जैसे उसमें कोई जंगली सुअर है तो भाई वो घुसेगा, वो सीधा अटैक करेगा, या तो मरेगा या मारेगा। बट जोगी अभी थोड़ा सा डरता है। चलो जोगी वापस आओ, आओ, बहुत चोट दे सकता है, आ जाओ। जंगली सुअर भाई बहुत खतरनाक होते हैं, इससे तो बहुत चोट दे सकते हैं भाई। मेन काम है जोगी को वहाँ पे मैक्स से निकालना। वो शायद बैठा है वहीं पे, मैक्स एक जर्मन शेफर्ड डॉग है, निकालते हैं। वैसे फाइट तो नहीं होगी बट फिर भी थोड़ा डर रहता है। आ जाओ सीधे आराम से ही। अरे ना ना ना, ना। अरे बदतमीजी ना, चलो चलो आ जाओ आ जाओ, जल्दी तेज तेज। Few minutes later. Oh boy. इस साइड तो सरसों है, अगर गई होती तो पता चलता। हाथी अच्छा होती, चल चल आ जा। भाई इधर भी कहीं नहीं है, पूरा देख लिया भाई ये हार, आखिर गई कहाँ भाई। मेरी सांस फूल गई यार। भाई ये देखो ये खुर बने हुए हैं,
मेरे ख्याल से हो सकता है या तो उस साइड गई है, बट उस साइड में पूरा घूम के आया हूँ, पूरा एरिया उस साइड से चेक करके आया हूँ, अब केवल ये वाली साइड रहती है। तो मेरे ख्याल से अगर होगी तो हो सकता है भाई इसी वाली साइड पे हो। और भाई भागते भागते वहाँ तो पूरा हाँप गया, पूरा एरिया हम लोग घूम के आ रहे हैं पीछे। बट भाई यहाँ पे कहीं दूर दूर तक मुझे तो दिख नहीं रही है। और भाई पूरा एरिया सर्च कर चुके हैं हम लोग ऑलरेडी, और जब मैं भागते हुए आया था ना उससे जस्ट थोड़ी देर पहले ही खुली थी, अन्नू का कॉल आया मेरे पास ये छत के ऊपर था कि गाय खुल गई है, बाघ की तरफ गई है सीधे। जब तक मैं भागता हुआ आया तब तो वो गायब हो गई वहां से। अब भाई बहुत ज्यादा डर है उसका कि भाई इस एरिया में और आगे ना गई हो। एक बार थोड़ा सा और आगे चलते हैं, वहाँ थोड़ा सा जंगल टाइप है, वहाँ पर भी देखते हैं चल के। खैर ये तो मुझे पता है कि मिल जाएगी, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बस यही है कि इस वाले एरिया में ना जाए, क्योंकि भाई इधर उसकी जान को बहुत ज्यादा खतरा है। उस वाली एरिया में भाई कोई भी गाय जाए वो मुश्किल ही बचती है। अभी दोस्तों ऐसा लगा कि किसी गाय का साउंड सा आया हो, अब समझ में नहीं आ रहा किधर से आया है। चलो आओ देखें देंगे। भाई इधर तो कहीं पर कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है। अब बस भाई ये वाली जगह और रहती है, एक बार यहाँ पर भी चल के देखते हैं, हो सकता है गलती से इसी साइड रास्ता भटक गई हो, चली गई हो। अब भाई एक बार ये वाला एरिया भी देखते हैं। बस भाई इसी वाले एरिया में ना आई हो, यही सबसे ज्यादा खतरा है। भाई पीछे वाला पूरा एरिया हम लोग देखते हुए आए हैं, वहाँ पर तो कहीं पर मालूम नहीं पड़ रही है। सिटी भी मारी, हालांकि होता क्या था जब भी मैं सिटी मारता था ना वो आवाज़ देती थी, मतलब मुझे पहचानती है। भाई रास्ता तो इस साइड से भी जा रहा है ये वाला। अन्नू आजा आजा एक बार जा वाली रास्ता देखें। आज भाई बहुत ज़्यादा मुसीबत में डाल दिया है भाई मेरी इस वाली बच्चिया ने। भाई पूरा एरिया बहुत ज्यादा खतरनाक है ये, और बाकी जितने एरिया चेक कर सकते थे हम वो सारे चेक करके आए हैं। बस ये एरिया वैसे मेरे गांव का नहीं है, ये भाई इस साइड एक गांव है उसका एरिया है। बट भाई जानवर को इतना नहीं पता है ना कि कौन सा एरिया उसका है कौन सा एरिया उसका नहीं है। और भाई सबसे ज्यादा खतरनाक भी ये एरिया है, बस गलती से उस गांव में ना पहुंचे। भाई इस साइड पूरा एरिया हम लोग चेक करते हुए आए हैं, और वहाँ से ज़्यादा आगे हम नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ से रास्ता नहीं है। अब भाई मुझे केवल दो ही चीज़ें लग रही हैं, या तो भाई ऐसा हो सकता है कि उन वाली गायों में ये चली गई है, और या भाई हो सकता है कि इस वाले गांव में चली गई हो। बस भाई ये है, गायों में चली गई हो तो प्रॉब्लम नहीं होगी, बट भाई इस साइड ना जाए। भाई इस साइड गई तो फिर तो मिलना उसका बहुत मुश्किल है। भाई मुझे बस यही डर लग रहा है कि भाई इतनी मतलब बचपन से भाई मेरे घर पे ही इसका जन्म हुआ था भाई, और मुझे बस यही डर लग रहा है कि भाई इस गांव में ना भाई चली गई हो, क्योंकि भाई अगर इस गांव में चली गई भाई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब भाई मुझे बहुत डर लग रहा है भाई। अरे भाई डराओ मत, कोई दिक्कत ना हो सके घर के इतना ढूंढे ना हो, और ऐसा करे मोबाइल रख लो आप, और लोगों ने बुला ले रहे अपने लोग, सब लोग मिलकर ढूंढ रहे, ठीक है ना। हाँ चलो, और उधर सब ढूंढ रहे हैं। अब भाई यही करना पड़ेगा, मैं और लोगों को बुलाता हूँ भाई, बहुत सीरियस मैटर है ये भाई। मैं आपको बता देता हूँ इस साइड में क्यों बोल रहा हूँ, इस साइड भाई इस साइड क्या है, कसाई घर है भाई, कट्टू खाना है भाई। तो अगर इस साइड चली गई और उन लोगों के हाथ लग गई भाई तो हमें नहीं पता चलेगा भाई कि बछिया गई कहाँ, और भाई वो रातों रात तो में ही खेल पूरा कर देंगे। तो भाई मैं और लोगों को लाता हूँ और भाई ढूंढता हूँ।